Assalamualaikum. Assalamualaikum, my dear tree. I hope so you all are doing well. So are you ready for today's Urdu class? तो प्यारे बच्चों, आज की उर्दू की जमात में हमने जिन अनवान का इरादा किया था वो थे वाहिद जमा। आपको पता है कि वाहिद जमा क्या होता है? अगर हम किसी एक चीज की बात करें तो वो वाहिद होती है, और अगर हम एक से ज्यादा चीजों की बात करें तो वो उनकी जमा होती है। जब हम अल्फाज की जमा बनाते हैं तो ज्यादातर हम उसमें बड़ी एक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पापा। अब इसकी जमा क्या होगी? पापे। बाजा की जमा क्या होगी? बाजे। बोरा की? बोरे। तोता की? तोते। और अगर एक जाला हो तो उसे हम जाला कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो जाले। और इस तरीके से एक से ज्यादा केला हो जाए तो केले। तो इस तरीके से हम वाहिद की जमा बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले अनुमान की तरफ, जो है अल्फाज जिद। अल्फाज जिद क्या होते हैं? काला की जिद क्या होगी? सफेद। पास की? दूर। दिन की उलट क्या होगी? शाम? नहीं, रात। अच्छा की? बुरा। गंदा की? साफ। और बड़ा की? छोटा। तो इस तरीके से आज हमने अल्फाज और वाहिद जमा का इरादा किया। आप सब इन्हें बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।